सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित विषय को और इसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न जो है पवन सीरीज के, उसको मैंने पिछले क्लास में शुरू किया था और यह आपकी दूसरी क्लास है। पिछले क्लास में हमने आपके प्रश्न संख्या 16 तक देखा था, यहाँ अब इस क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 17 से देखेंगे। अब इससे पहले भी मैं आपके पवन सीरीज के बहुविकल्पीय अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करा चुका हूँ, उससे अगर नहीं देखा आपने या राजन सीरीज या सिलेबस आपने पूरा नहीं पढ़ा है तो ये सभी क्लासेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप मैथ के सामने का लिंक क्लिक करेंगे तो वहां पे गणित विषय सेकंड सेमेस्टर के सभी क्लासेस लगी हुई हैं। राजन सीरीज, फिर पवन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मास्टर क्लास, ये सभी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। अब उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे और इन प्रश्नों को, चलिए हम अब शुरू करते हैं हल करना। देखिए प्रश्न संख्या 17 क्या है, x प्लस 4y का होल क्यूब माइनस x माइनस 4y का होल क्यूब को सरल कीजिए। तो देखिए x प्लस 4y का होल क्यूब है और बीच में माइनस का चिन्ह है और फिर x माइनस 4y का होल क्यूब है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे x प्लस 4y का होल क्यूब है और यहाँ पे x माइनस 4y का होल क्यूब है और दोनों में घटाना हो रहा है। अब आपको पता है फॉर्मूला, a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वह क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब देखिए जहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब है वहां पे सब प्लस होते हैं और जहां पे a माइनस बी का होल क्यूब आ जाता है वहां पे b जहां जहां आ रहा है वहां पे माइनस हो जाता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब 3ab में भी b आ रहा है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे देखिए a फिर b आ रहा है तो माइनस b। तो इस तरीके से ये आप समझ पा रहे हैं आप। अब यहाँ पे बस कुछ नहीं हो रहा है कि यही जैसे a प्लस बी का होल क्यूब है और माइनस a माइनस बी का होल क्यूब है तो वैल्यूज रख दीजिए। देखिए a की जगह है x और y की जगह है b, तो x प्लस 4y का होल क्यूब करेंगे तो x क्यूब प्लस 4y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a की जगह है x इंटू b यानी कि 4y और ब्रैकेट में x प्लस 4y फिर माइनस। अब देखिए यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे जो भी वैल्यूज है क्योंकि बीच में घटाने का चिन्ह है तो हमको सब पे ये माइनस का चिन्ह का असर सब पे जाता है तो इसलिए माइनस के चिन्ह जहां भी रहता है वहां इस तरीके से यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लेंगे और इसको आप यहाँ पे मझला ब्रैकेट भी लगा सकते हैं क्योंकि छोटे ब्रैकेट लगे हुए हैं। तो देखिए एक्स क्यूब ये हो जाएगा a का क्यूब यानी कि x का क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 4y का क्यूब हो जाएगा माइनस 3ab यानी कि माइनस इंटू a इंटू b और ब्रैकेट में a माइनस b, ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, बस गुणा कर लीजिए x क्यूब प्लस 64y का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और y क्यूब प्लस 3 का गुणा 4 में हो जाएगा तो 12 और x का गुणा y में एक्स वाई लिख लीजिए। अब इसके बाद x प्लस 4y ब्रैकेट क्लोज फिर माइनस, अब यहाँ भी गुणा कर लीजिए x क्यूब माइनस 64y क्यूब माइनस 12xy ब्रैकेट में x माइनस 4y। अब देखिए ब्रैकेट खोलेंगे इसके बाद हम, ये तो पूरा पद ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट यहाँ पे खोलेंगे तो देखिए ब्रैकेट खोलते ही इस माइनस का गुणा जो है वह हर एक पद में होगा तो ये जो माइनस आप देख रहे हैं x क्यूब प्लस में है वह माइनस x क्यूब हो जाएगा और माइनस 64y क्यूब प्लस 64y क्यूब हो जाएगा और माइनस 12x2y। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस लाइन में 12xy का गुणा कर दिया गया है, यहाँ भी तो यहाँ तो गुणा होगा तो 12xy का x में तो 12x2y हो जाएगा और 12xy का गुणा होगा 4y में तो 48xy2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुणा के साथ साथ आप देखिएगा माइनस 12xy का गुणा हो रहा है तो माइनस 12x2y और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 48
वाई स्क्वायर। अब इसके बाद आपको देखना है पदों को, एक्स क्यूब का कौन सा पद है यहाँ पे, अब ब्रैकेट खोल लीजिए, ब्रैकेट खोल लेंगे तो माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब हो जाएगा और प्लस 12 एक्स स्क्वायर वाई और माइनस 48 एक्स वाई स्क्वायर। अब हमको सिमिलर पदों को देखना है, एक्स क्यूब का पद यहाँ है और यहाँ भी है लेकिन दोनों अपोजिट साइन में है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब जीरो हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा और यहाँ पे देखिए 64 वाई क्यूब जुड़ जाएंगे 128 वाई क्यूब हो जाएगा और 12 एक्स स्क्वायर वाई और 12 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 40 24 एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब देखिए प्लस 48 एक्स स्क्वायर वाई और माइनस 48 एक्स स्क्वायर वाई आपस में घट जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो चार पद आपस में कट गए और दो पद आपस में जुड़े, दो पद आपस में जुड़े तो चार पद जो रह गए वो दो पद केवल रह गया। तो इस तरीके से ये उत्तर हो जाएगा 128 वाई क्यूब प्लस 24 एक्स स्क्वायर वाई। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 है, एक्स इंटू ब्रैकेट में वाई प्लस जेड बराबर एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड को सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको दिखाना है कि एक्स इंटू वाई प्लस जेड, एक्स इंटू ब्रैकेट में वाई प्लस जेड ये बराबर होता है एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड के, जहां पे एक्स की वैल्यू दी गई है ऋण 2/7 और वाई की वैल्यू 9/2 और जेड की वैल्यू 2/3। देखिए बोल रहा है कि दोनों पक्ष बराबर होते हैं ये आपको सत्यापित करना है। तो दोनों पक्ष बराबर कब होंगे, जब दोनों पक्षों का जो मान होगा वह बराबर निकल के आएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू दे रखी है, बस वैल्यूज पुट कर देना है। देखिए एक्स की जगह आपको रखना है ऋण 2/7 और वाई की जगह रखना है 9/2 और जेड की जगह 2/2। तो यही यहाँ पे लिख देते हैं, ऋण 2/7 गुणे 9/2 धन 2/3 बराबर ऋण 2/7 क्योंकि है एक्स इंटू वाई इंटू 9/2 प्लस एक्स इंटू जेड है तो एक्स की वैल्यू ऋण 2/7 और गुणे जेड 2/3। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। अब देखिए बराबर के इधर क्या हो रहा है, एक भिन्न का गुणा एक ब्रैकेट में हो रहा है जिसमें दो भिन्न आपस में जुड़ रहे हैं। तो पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट में जो चीजें उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि तो हमें मान निकालना है। तो अब देखिए ऋण 2/7 को ऐसे रह दीजिए और ब्रैकेट में देखिए दो भिन्न जुड़ रहे हैं तो भिन्न के जोड़ के लिए हम क्या करेंगे, हर समान कर लेंगे, पहले हर समान करेंगे तो 6 मिलेगा एलसीएम और यहाँ पे 9 में 3 का गुणा हो जाएगा और धन 2 में 2 का गुणा हो जाएगा तो 27 धन 24 ये हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे देखिए ऋण 2/7 गुणे 9/2 है, धन ऋण 2/7 गुणे 2/3 है तो गुणा कर लीजिए, ऋण 2 का गुणा 9 में हो जाएगा तो ऋण 18 और 7 का गुणा 2 में तो 14, तो ऋण 18/14 ये आ गया। धन देखिए ब्रैकेट में ऋण 2/7 गुणे 2/3 था, ऋण 2 का गुणा 2 में हो जाएगा तो ऋण 4 आ जाएगा, 7 का गुणा 3 में तो 21, तो ऋण 4/21 इधर आ गया। अब बराबर के इधर देखेंगे तो ऋण 2/7 का गुणा हो रहा है 27 और 4 ये हो जाएगा 31/6। तो अब इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट हटा करके, ऋण 2/7 गुणे 31/6 बराबर किसके लिख देंगे, ऋण 18/14 है और धन ऋण 4/21 है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखिए ऋण 18/14 को ऊपर नीचे 2 से काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 9/7, ऋण 9/7 हो जाएगा। अब हर समान कर लेंगे, पूरे के 21 करेंगे तो देखिए 7 3 गुना हो रहा है तो ऋण 9 में 3 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण 27 और फिर धन ऋण 14/21 था, हर पूरा बराबर कर लिया हमने 21 और ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस आ जाएगा यानी कि -4। अब इधर देखेंगे तो ये देखिए ये हुआ ऋण 2/7 गुणे 31/6 बराबर ऋण 31/21। अब इसको सॉल्व करिए, 2 से काटेंगे ऊपर नीचे तो ये 3 आ जाएगा और ये 1, ऋण 1 का गुणा होगा 31 में तो ऋण 31/21 आ जाएगा बराबर उधर वाला
और इधर वाला तो ऋण 31/21 आएगा ही। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं LHS बराबर RHS यानी कि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आ गया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन दिया है यह सत्यापित होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, संख्या एवं संख्यांक को समझाइए। तो संख्या क्या होता है? गिनती वस्तुएं हैं। संख्या क्या है? गिनती है। संख्या कितनी वस्तुएं हैं का जिससे ज्ञान होता है उसे संख्या कहते हैं, और संख्यांक किसे कहते हैं? संख्याओं का जिन संकेतों द्वारा समझाया जाता है उन्हें संख्यांक कहते हैं। सरल शब्दों में संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक। अब जैसे आपके पास ये चार बॉल हैं, ठीक, ये चार बॉल हैं, तो चार हम बोल रहे हैं तो इससे कितनी वस्तुएं हैं इसका ज्ञान हो रहा है चार बोलने से, संख्या को बोलने से, ठीक है। कितनी वस्तुएं हैं संख्या ये बता रही है। अब संख्या को जब निरूपित करना होता है, लिखना होता है, तो आप इस तरीके से चार लिखते हैं, या रोमन अंक में इस तरीके से चार लिखते हैं, या अपने हिंदी अंक में आप इस तरीके से चार लिखते हैं। तो ये क्या है? ये सभी निरूपण है, तरीका है, सिंबल्स हैं, संख्यांक हैं। यही संख्यांक होता है जो संख्या को दर्शाने का काम करता है, दिखाने का काम करता है, लिखने का काम करता है, वही संख्यांक होता है, ठीक। तो आप समझ गए। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं क्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताना है। तो वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है, जहां क्यू जीरो नहीं हो सकता है। ये समझिए, बाकी कुछ भी क्यू का मान हो सकता है, बस जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर पी बाई क्यू के में क्यू का मान शून्य हो गया तो इस मान को आप ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी संख्या के बटे में शून्य तो उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इन्फिनिटी मान लिया जाता है। अब देखिए, वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। q बराबर p बाई क्यू सच दैट p तथा q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू जीरो है। जैसे 5 ऋण 2, 7/5 आदि क्या हैं? ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। आप कुछ भी लिख दीजिए, 101/10, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। जो भी संख्या पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5 इत्यादि अपरिमेय संख्याएं हैं। आप सोच रहे होंगे कई लोग कि √2 को हम कैसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ये भी तो √2/1 लिखा जा सकता है। लेकिन अभी ये संख्या के रूप में नहीं है, ये कोई इस तरह भिन्न के रूप में नहीं है, भिन्न के रूप में इस तरीके से जैसे 2/3 लिखा गया हो, 4/5 लिखा गया हो, 8/3 लिखा गया हो, ये क्या है? ये सभी परिमेय रूप है। अब √2/1 लिख देने से यह p बाई क्यू के रूप में नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो p और q जो है वह इस तरीके से, अब √2 का जो मान आता है उसको आप समझने का प्रयास करिए। √2 का जो मान होता है वह होता है 1.414213 5, इस तरीके से यह मान चलता रहता है और ये खत्म नहीं होता है। तो इसलिए आप समझिए कि इसको हम किसी संख्या के बटे के रूप में, भिन्न के रूप में नहीं दर्शा पाते हैं। जैसे 2/3 क्या हो जाता है? 2/3 0.666 इसका मान आ जाता है। लेकिन ये देखिए 666 लगातार आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं 2/3, ठीक है, ये 2/3 का मान ही है। तो अब इसका यहाँ पे जो मान है इसका कोई भिन्न बनता ही नहीं है, ठीक है, और बने भी कैसे? क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये अपने आप को रिपीट भी नहीं करती है और खत्म भी नहीं होती है। तो इस वजह से इसको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं।
जिसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 21 है, 100 और 110 के बीच की अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। 100 और 110 के बीच संख्याएं कौन कौन सी आती हैं? तो 100 और 110 को छोड़ देना है, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109। ठीक, 110 को नहीं लेंगे क्योंकि 100 और 110 के बीच की संख्याएं बोला है। अब देखिए 101 किसी संख्या से कटता है, तो 101 जो है वह एक और अपने अलावा किसी और संख्या से कटेगा नहीं। 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9, 10, 11, 12, 20, 30, 25, इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा, किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, केवल एक और 101 खुद से कटेगा। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो 101 जो हो गया अभाज्य संख्या, 102 दो से कट जाएगा तो ये भाज्य संख्या है। 103 को चेक करेंगे तो ये भी किसी संख्या से नहीं कटेगा। 104 को चेक करते हैं तो ये कट जाएगा। 105 5 से कट जाएगा। 106 दो से कट जाएगा। 107 को चेक करेंगे तो 107 भी देखिए किसी से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। सोच रहे होंगे 3 से कट जाए, तो 3 त्रिका 9 और 1 17, 17 फिर 3 से नहीं कटता है तो 3 से ये नहीं कटेगा। 108 देखिए 2 से कट जाएगा। और 109 को देखिए, 109 किससे कटेगा? 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से भी नहीं, तो किसी से नहीं कटेगा। तो 109 भी क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। तो ये चारों जो हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 है, परिमेय संख्या 4/7 धन 8/7 का मान ज्ञात कीजिए। दो भिन्नों का योग है, हर समान है, तो अंश भी जोड़ दीजिए। 4 धन 8 12, 12/7 मान आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 23 है, ऋण 5/12 धन 5/18 को सरल कीजिए। तो इसको सरल करने के लिए पहले देखिए दो भिन्नों का योग हो रहा है, पहले हर समान कर लेंगे। 12 और 18 का यहाँ पे हमको एलसीएम लेना है। एलसीएम आ जाएगा देखिए 36, और देखिए 12 + 36 तो ऋण 5 में 3 का गुणा हो जाएगा, धन 18 × 36 तो 5 में गुणा हो जाएगा 2 का। अब ये हो जाएगा ऋण 15 धन 10/36 और ये आ जाएगा ऋण 5/36। मान जो हो जाएगा वह ऋण 5/36 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24, ऋण 4/7 में से ऋण 12/7 को घटाइए। ऋण 4/7 में से घटाना है ऋण 12/7। ठीक, अब देखिए ब्रैकेट खोलिए, ऋण 4/7, ऋण का गुणा ऋण में होगा तो ये हो जाएगा धन 12/7 हो जाएगा, और दोनों के बटे 7 है तो दोनों के बटे 7 लिख दीजिए। ऋण 4 धन 12 ये हो जाएगा 8/7। मान जो आ जाएगा वह आ जाएगा 8/7। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 25 है, परिमेय संख्या ऋण 8/7 और ऋण 14/15 का गुणा कीजिए। क्या गुणनफल परिमेय संख्या है? तो देखिए ऋण 8/7 और गुणे ऋण 14/15, ऋण से ऋण देखिए काट दीजिए। अब अंश का गुणा अंश में कर लीजिए, हर का गुणा हर में कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ऋण 8 का गुणा होगा 14 में, ये हो जाएगा 14/8 112 और ऋण में ऋण 112 और यहाँ पे गुणा होगा 7/15 में तो 105 आ जाएगा। ठीक, तो ऋण 112/105 ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद देखते हैं क्या ऊपर नीचे किसी से कटेगा। तो ऊपर नीचे ये देखिए 3 से कटेगा, देखिए 3 से तो नहीं कटेगा, 3 से नहीं काट सकते इसको। अब देखेंगे 4 से 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं, 7 से चेक करेंगे तो 7 से चेक करेंगे तो 7 × 7 और 4 और 7 = 42 16 बार में, और इसको देखेंगे तो 7 × 7 = 35 7 × 5 = 35 ये हो जाएगा ऋण 16/15। वैल्यू जो आ जाएगा ऋण 16/15 आ जाएगा, जो कि
एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये परिमेय के रूप में आया ही है, तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या आपको मिल जाएगा, पी बाई क्यू के रूप में ये है ही, ठीक। तो इस तरीके से प्राप्त गुणनफल जो है वह एक परिमेय संख्या है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 26 है, यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से दो कम है, यदि उसके अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ यदि लिखा है, यहाँ पे एक एक परिमेय संख्या की बात की जा रही है, 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से दो कम है, यदि उसके अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए तो नई संख्या जो मिल जाती है वह 3/4 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ पे दो कंडीशन दिया है, इन्हीं दोनों कंडीशन का यूज करके हम समीकरण बनाएंगे और इसको हल करेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार हल होगा ये। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किस रूप में होती है, पी बाई क्यू के रूप में। तो हम मान लेते हैं कि हमारी परिमेय जो संख्या है वो एक्स बाई वाई है। परिमेय संख्या को हमने मान लिया एक्स बाई वाई है, यानी ऊपर क्या होता है, अंश होता है, तो एक्स हमारा अंश है, हर क्या है, वाई है। अब कह रहा है कि जो अंश है वह हर से दो कम है, तो अंश जो है वह हर से दो कम है, या दिखा देते हैं हम कैसे दिखाएंगे, जो अंश को हम बराबर दिखा देंगे हर से दो कम, यानी कि एक्स बराबर वाई माइनस दो, ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है यदि उसके अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। तो अंश और हर में एक जोड़ने पर नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। पहले हमारा भिन्न था एक्स बटे वाई, अंश में एक जोड़ना है और हर में एक जोड़ना है, अंश में एक जोड़ेंगे तो एक्स धन एक हो जाएगा और बटे वाई में एक जोड़ेंगे तो वाई धन एक हो जाएगा, और ये बराबर हो जा रहा है 3/4 के, ये कह रहा है। तो अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण एक में से एक्स का मान, देखिए एक्स का मान क्या है, वाई माइनस दो, तो एक्स का मान रख देते हैं इसमें, एक्स की जगह यहां रख देंगे वाई माइनस दो, तो वाई माइनस दो धन एक बटे वाई धन एक बराबर हो जाएगा 3/4। और देखिए वाई माइनस दो धन एक, तो वाई माइनस एक बटे वाई धन एक बराबर है 3/4 के। अब यहाँ पे हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब 4 का गुणा हो जाएगा y माइनस वन में, 4 × y-1 और 3 × y+1। अब इसको 4 का गुणा कर देंगे तो 4y-4 बराबर 3y-3। अब 3y को इधर ले आइए, 4y-3y और -4 को उधर भेज देंगे तो धन 4 और धन 3, ये हो जाएगा 4y में से 3y चला जाएगा, y बराबर 7, y की वैल्यू 7 आ गई। अब इसे किसी एक समीकरण में रख दीजिए, यहीं रख दीजिए y की वैल्यू 7, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। x बराबर हो जाएगा y माइनस दो, यानी कि 7 - 2, जिसका मान आ जाएगा 5, x की वैल्यू 5 आ गई। अब भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, x बाई वाई, x का मान है 5 और y का मान है 7, तो 5/7 ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। जो हमको परिमेय संख्या निकालना था, संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो उसका मान जो आ जाएगा 5/7 आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, अंश तथा हर दोनों में एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 27 है ये, एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का जो मान हो जा रहा है वह 1/2 हो जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले बोल रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो भिन्न है वह x बटे वाई है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भिन्न का जो हर है उसके अंश से एक अधिक है, यानी कि अंश अगर x हम मान रहे हैं तो हर को x धन एक मान सकते हैं, सीधे सीधे इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भिन्न का अंश और हर कितना हो जाएगा, एक्स बटे एक्स धन एक। अब उसके बाद कह रहा कि अंश और हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जा रहा है, तो अंश में से एक घटा दीजिए और हर में से एक घटा दीजिए, भिन्न है हमारा एक्स बटे एक्स धन एक, तो
अंश में से एक घटाएंगे तो एक्स माइनस एक हो जाएगा, और हर में से यानी हर कितना है एक्स धन एक और इसमें से एक घटा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स धन एक माइनस एक बराबर कितना हो जा रहा है एक बटे दो, तो घटा दीजिए अंश में, देखिए घटेगा तो एक्स माइनस एक ही रहेगा और हर में जब घटेगा तो एक से एक घट जाएगा और हर में केवल एक्स बचेगा, तो इस तरीके से ये हो जाएगा एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर एक बटे दो बराबर एक बटे दो। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लीजिए, एक्स का गुणा एक में हो जाएगा और दो का गुणा एक्स माइनस एक में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दो एक्स माइनस दो, दो एक्स माइनस दो बराबर एक्स के, और एक्स इधर ले आइए तो ये हो जाएगा दो एक्स माइनस एक्स और दो उधर जाएगा ऋण दो, इधर आके धन दो हो जाएगा, तो दो एक्स में से एक्स घटेगा बचेगा एक्स और इधर दो, तो एक्स बराबर दो मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू दो मिल गई तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हमारा है एक्स बटे एक्स धन एक, यानी भिन्न की वैल्यू आ जाएगी दो बटे तीन। ठीक है, तो इस तरीके से भिन्न का जो मान आ गया वह दो बटे तीन आ गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, यह है प्रश्न संख्या 28। एक संख्या का एक बटे दो उसी संख्या के एक बटे चार से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे बता रहा है कि एक संख्या का एक बटे दो उसी संख्या के एक बटे चार से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या जो है वह एक्स है, माना संख्या एक्स है, तो संख्या का एक बटे दो क्या होगा, संख्या का एक बटे दो यानी एक्स का एक बटे दो, एक्स का एक बटे दो बराबर कितना हो जाएगा एक्स गुणे एक बटे दो यानी कि एक्स बटे दो, ये हो गया संख्या का एक बटे दो। और संख्या का एक बटे चार कितना होगा, संख्या का एक बटे चार एक्स बटे चार हो जाएगा। और प्रश्न में कह क्या रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि संख्या का जो एक बटे दो है वह संख्या के एक बटे चार से 15 अधिक है, यानी कि संख्या के एक बटे चार में अगर 15 जोड़ दिया जाए तो वह बराबर हो जाएगा संख्या के एक बटे दो के, तो वही यहाँ पे किया गया है, संख्या का एक बटे दो बराबर संख्या का एक बटे चार धन 15। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो x बटे चार इधर ले आएंगे तो x बटे दो ऋण x बटे चार बराबर 15 हो जाएगा, और दोनों का हर समान कर लीजिए चार, और यहाँ पे दो का गुणा हो जाएगा ऊपर नीचे, तो नीचे चार हो गया ऊपर दो एक्स हो गया, दो एक्स में से एक्स घट जाएगा और x बटे चार बच जाएगा, x बटे चार बराबर 15 और x बराबर निकालना चाहेंगे तो चार का गुणा हो जाएगा 15 में, ये हो जाएगा 60। संख्या का जो मान आ जाएगा, संख्या आ जाएगी 60, संख्या की जो वैल्यू आ जाएगी वह 60 आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। एक संख्या 7 से 4 बड़ी है वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या 7 से 4 बड़ी है, मान लेते संख्या जो है वह एक्स है, तो 7 से 4 बड़ी है तो संख्या बराबर 7 धन 4 यानी कि संख्या का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 11। इसके बाद देखिए, इसके बाद है अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30। किसी संख्या के एक चौथाई में से एक घटाने पर शेषफल 1 है वह संख्या है। संख्या के एक चौथाई में से, माना संख्या x है, माना संख्या x है, अब प्रश्न में बोल रहा है प्रश्नानुसार, यहाँ लिख देंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न जो कह रहा है वह कह रहा है कि संख्या के एक चौथाई में से एक घटाने पर, संख्या का एक चौथाई कितना होगा x बटे चार में से एक घटाने पर शेषफल एक बच रहा है, तो अब यहां से लिख सकते हैं x बटे चार ऋण एक को उधर भेज दीजिए दो हो जाएगा, और चार को उधर भेजेंगे तो चार का दो में गुणा हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी कि संख्या का मान कितना हो जाएगा वह संख्या 8 हो जाएगी। संख्या के एक चौथाई में से एक घटाएंगे एक बच रहा है, संख्या का एक चौथाई यानी कि 8 बटे दो यानी कि दो, दो में से एक घटाएंगे कितना बचेगा 1, तो वही यहाँ पे प्रश्न में कहा था। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी है, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। एक कक्षा में 45 कुल विद्यार्थी हैं और बोल रहा है कि यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या का 2/3 हो तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब मान लेते हैं छात्रों की, छात्राओं की जो लड़कियों की संख्या है वह एक्स है, तो छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, छात्रों की संख्या बोल दिया कि छात्रों की जो संख्या है वह छात्राओं की संख्या का 2/3 है, तो 2/3 गुणे एक्स ये छात्रों की संख्या हो जाएगी। अब छात्राओं की संख्या है और
छात्रों की संख्या और कुल संख्या हमको दी गई है, तो कुल संख्या बराबर 45 और कुल संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ जोड़ेंगे तो एक्स धन 2/3 एक्स बराबर होना चाहिए 45 के। अब जोड़ लीजिए तो यहाँ हर समान करेंगे पूरे 1/3, तो ये हो जाएगा 3x धन 2x/3 यानी कि 5x/3 बराबर 45 के है। अब इसको सॉल्व करेंगे 5x = 45 × 3 और x बराबर हो जाएगा 45 × 3/5, 5 से काटेंगे 9 बार में कट जाएगा, x की वैल्यू जो आ जाएगी 9 × 3 यानी कि 27, x का मान 27 आ जाएगा। और छात्राओं की संख्या आपसे पूछा था, तो छात्राओं की संख्या हमने x माना था, जो आ जाएगा मान वह 27 आ जाएगा, छात्राओं की जो संख्या हो जाएगी वह 27 हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ तक प्रश्न संख्या 31 तक हमने यहाँ पे कर लिया। उम्मीद है कि यहाँ तक सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। कहीं भी किसी भी प्रश्न में कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर, हम लोग लास्ट में सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, जहाँ भी जिस प्रश्न में भी दिक्कत होगा। अब देखिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, सभी मित्रों में शेयर करिएगा, कम से कम आपके जो खास मित्र हैं उनको जरूर शेयर करिए। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, कोई क्लास आपसे छूटे नहीं। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी विषयों का प्लेलिस्ट का लिंक है, वो उससे आप उस विषय का पूरा सिलेबस अपना पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कम समय में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करना, सभी पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करना, राजन पॉन सीरीज का पीडीएफ प्राप्त करना, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज प्राप्त करना, तो ये सब कुछ एक कोर्स में आपको मिल रहा है हमारे ऐप पे। ऐप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाउनलोड कर लीजिए। कहीं कोई दिक्कत आता है तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करिए, आपको पूरा सहयोग किया जाएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे के प्रश्नों को देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।